अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारी एसडी किचन में। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक बर्बाद पहुँच सके। आज मैं आपके साथ आलू की भुजिया की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसके लिए मैंने 2 किलो आलू लिए, इनको बॉयल करके काट लिया, 1 चम्मच भर के ज़ीरा लिया, 1/2 चम्मच हल्दी लिए, 1.5 चम्मच सुरख मिर्च लिए और 1.5 चम्मच ही नमक लिया है। और अंडे आप उबाल लेंगे जितने आपको ज़रूरत हो। बॉयल करके मैंने रख लिए अंडे। और धनिया लेंगे 1/2 प्याली आप, जितनी आपके आलूओं की क्वांटिटी होगी उस हिसाब से आपने धनिया वगैरह और नमक मिर्च ऐड करनी है। अब हम इसको रेडी करेंगे। सबसे पहले हमने कढ़ाई रख लिया, फ्लेम मैंने ऑन कर लिया, मीडियम फ्लेम रखा मैंने। अब इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन 1/2 प्याली मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूँगी। थोड़ा इसको गर्म होने का वेट करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर ज़ीरा ऐड करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा इसको भूनेंगे। पहले अब साथ ही इसके अंदर नमक मिर्च और हल्दी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे ताकि मिर्च वगैरह जले ना। अब इसके अंदर धनिया ऐड करेंगे। अब इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी नहीं आपने ऐड करना, थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड किया मैंने। नमक मिर्च आप इसके अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर रखेंगे। आलू की भुजिया बनकर हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। फ्लेम मैंने ऑफ बंद कर दिया। अब इसको डिश आउट करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आलू की भुजिया बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आपको बहुत ही सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए डेली बेस पर नई से नई रेसिपीज ला सकूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ को शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।